अब हम उतर गए हैं बैड पोजिशन, पराग से हम बैड पोजिशन इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे हॉस्टल है और यहाँ से फिर हम लेंगे होलस्टेड के लिए। देखते हैं, साइकिल ट्राई करते हैं, साइकिल मिल जाएगी तो, नहीं तो फिर बस से जाएंगे। यहाँ होटल्स के ऑप्शंस बहुत कम थे, हाँ मतलब होलस्टेड में मतलब टोटली 800 लोग रहते हैं और तो फिर कहाँ से आपको ऑप्शन मिलेंगे, मिलते नहीं हैं। तो या तो साल्सबर्ग से आते हैं लोग या फिर वियना से डे टूर पे आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2-3 दिन हैं। अभी देख दिखा देती हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है। स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन। और ये अजीब बैड बॉयज का रास्ता हमारे हॉस्टल के वजह से है। तो ये देखो कितना सुंदर है, वाह पूरा क्लीन है। ये मुझे उससे भी सुंदर लग रहा है जो हम वो वाला विलेज गए थे, कौन सा, गेथरून, नीदरलैंड्स में जो गेथरून गए थे ना, उससे भी ज़्यादा सुंदर। यहाँ पर और ये तो सोचो अभी हम बैड गोइसन में जब हम जाएंगे होलस्टेड तो वो कितना सुंदर होगा, मैं भी सोच के एक्साइटेड हूँ। एंड द वॉक इज कंटिन्यू। ओ पीछे स्काई भी कितना अच्छा है ना, आगे दिखाता हूँ। ये फ्रंट एंड यहाँ थोड़े कैफ़े वैफे मिल गए हैं, हॉस्टल के पास में ही है, हॉस्टल यहाँ से थोड़ा ही पास ही है। और सामने व्यू देखो पहाड़ का, वाह। और ये हॉस्टल है हमारा पूरा विंटेज स्टाइल, गांव का घर यहाँ ऑस्ट्रिया का। तो वही बच्चों के थे शाम के 4, चेकिन वेकिन करके ना तो के हम रेडी होके आए हैं। और ज्योति को मन गया खाना, मुझे मिल गया मस्त पिज्ज़ा है, वेज पिज्ज़ा खा रहे हैं। ये बैड गोइसन में ही है, अच्छा है, बहुत बहुत यम है, मतलब एक नंबर, क्या बोलेंगे, एक नंबर। और वो हैंडमेड हमारे सामने फ्रेश बनाया उसने, बेक वेक सब कुछ हमारे सामने किया, तो मस्त है। तो अब हम मैं रेडी होलस्टेड एक्सप्लोर करने के लिए। बैड गोइसन से 12 किलोमीटर दूर है और हमने ले लिया है आज बाईसाइकिल, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है हमारी माउंटेन राइड्स आज की, 12 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर आना और थोड़ा लोकल एक्सप्लोर करना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर कम से कम हम चलाएंगे। तो सी यू गाइस, और आपको जर्नी आगे की दिखाते रहेंगे। तो अब हम चल चुके हैं गाइस साइकिल लेके, और ये व्यू देखो, यहाँ पे नदी है, पहाड़ है, और ये हम आ गए हैं 3-3.5 किलोमीटर आगे गोइस रन से। और ये बहुत अच्छी हमें लेक मिली है यहाँ पे, यहाँ थोड़ी देर हमने फ़ोटो शूट करा है साइकिल वाइकल पे अपने। ये हमारी साइकिलें हैं दो, और ये नीचे नदी में मिल जा रही है लेक, और यहाँ पे कैफे भी है एक, और ये हाईवे है पूरा। और ये सामने पहाड़ दिखाता हूँ मैं आपको कितना बड़ा है, देखते हैं एक पहाड़ पर हाइकिंग भी करेंगे कल टाइम मिलेगा तो। और 7.5 किलोमीटर चल के आने के बाद बैड गोइसन से टूवर्ड्स होलस्टेड ये मिलेगी जन्नत। खूबसूरत ऑस्ट्रिया, इनका जब जितनी तारीफ करो उतनी कम, क्या ही जगह है यार ये। हम बैठते हैं, थोड़ी देर ब्रेक लेंगे यहाँ पे, वी आर ऑलमोस्ट 80% 70% वे थ्रू, और ये बैठ
के नीचे घुमा दूं। और अब हम आ गए हैं होलस्टेड विलेज में। यहाँ पर सिर्फ वॉकिंग और साइकिलिंग है, पता नहीं इसने गाड़ी कैसे लिया। और ये है फोटो स्पॉट, यहाँ कराएंगे अपन फोटो। यहीं भी रोक ले। तो अब हम आ गए हैं गाइस दुनिया के वन ऑफ द ब्यूटीफुल विलेजेस, दी ग्रेट माइटी होलस्टेड। और ये स्पॉट है जहाँ से पोस्ट कार्ड पिक्चर्स आती है होलस्टेड की, आपने सभी के यूरोप ट्रिप्स में यहाँ पे देखा होगा। वी आर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट देयर, ये पार्ट है। आपको आना होगा तो इधर से आएंगे आप, बस स्टैंड से अगर आप आएंगे तो सामने वाले रोड से आपको क्रॉस करके आना होगा। बस वहाँ पे सामने चर्च के पीछे की तरफ रुकती है। हम लोग साइकिल से आए हैं तो हमारी साइकिल यहाँ पे खड़ी है, हम इस तरफ से आ गए थे। तो हमारा पहला स्पॉट ये पड़ा है। अब हम जाएंगे साइकिल वाले मतलब बस स्टॉप पे, क्योंकि बस स्टॉप से पूरा एक अलग डिफरेंट व्यू आता है होलस्टेड का। सी यू अराउंड। और यही रीज़न है शायद इसको वर्ल्ड का सबसे सुंदर गाँव बोला जाता है। ये देखो वाटरफॉल भी है, पहाड़ भी हैं, शांति वाले घर भी हैं, और इस सामने ही लेक भी है। है ना खूबसूरत दोस्तों, क्या कहने इस गांव को। और ये डायरेक्ट पानी आ रहा है आपका उसी वाले वाटरफॉल से जो अभी दिखाया, इसको आप पी सकते हैं। ये सीफ है, हाँ इसमें सारे मिनरल्स हैं। तो आज हम फाइनली पहुंच गए हैं ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में आते ही हमारा डेस्टिनेशन था होलस्टेड। हम आए पराग से सीधा होलस्टेड, और यहाँ पे हम रुके हैं बेड गोइसरन में। बेड गोइसरन से हमने साइकिल हाई करी और यहाँ तक हम आ गए। वैसे आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप वियना से भी डे टूर कर सकते हैं या साल्सबर्ग से भी डे टूर कर सकते हैं, और या हमारी तरफ दो तीन नाइट यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, ज़्यादा नहीं है, बट वन ऑफ द ब्यूटीफुल विलेजेस इन द वर्ल्ड। और यह तो हो सकता है कि इस दुनिया का सबसे सुंदर गाँव है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, लेक है, आप देखो उसके साथ वहाँ पे वाटरफॉल भी है। यहाँ से नहीं दिखेगा, दूसरे एंगल से दिखेगा। अभी हम खड़े बस स्टैंड पे, तो बस स्टैंड से ये वाला व्यू है। मैं चर्च के दूसरी तरफ जाऊँगा, वो वाला व्यू भी आपको दिखाऊँगा। और मतलब जितनी पीसफुल लाइफ यहाँ पे है उससे, और इसकी हिस्ट्री भी बहुत है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ऑस्ट्रिया के टॉप 10 साइट्स में से। तो मस्ट विजिट इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रिया एंड इन यूरोप ट्रिप। और कुछ ऐसा दिखता है होलस्टेड सनसेट के टाइम पे। अभी बजे हैं 8:30, और स्काई के कलर्स कितने अच्छे हो रहे हैं उधर। अभी पूरा होलस्टेड तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं, क्योंकि हम कैफे में बैठे हुए हैं। विंटर्स में पूरे ना स्नो होती है। हाँ ये सारे स्नो से कवर्ड होते हैं सारे पहाड़ विंटर्स में। पर लुक एट दिस, इट्स ब्यूटीफुल। और अब बज गए हैं रात के 9, हम होलस्टेड विलेज से वापस जा रहे हैं। ये है ऐसा कुछ व्यू सनसेट का। रोड खाली पड़े हैं क्योंकि 6-7 बजे तक सब चल।